ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि अगर आपको एटीएम, पैन और मोबाइल को फ्रॉड से बचाना है, फ्रॉड से सेव करना है, तो आपको रोज 4 से 6 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। भारत में एटीएम और डेबिट कार्ड को लेकर सबसे बड़ा फ्रॉड हो चुका है। इसके तहत करीब 65 लाख लोगों का डाटा हैक होने की आशंका है। तो बढ़ते फ्रॉड को देखते हुए देश के प्रमुख बैंकों ने कई सारे प्रोटेक्शन प्लान दे रखे हैं, जिसमें एटीएम कार्ड से लेकर पैन कार्ड और मोबाइल से फ्रॉड होने पर आपको पैसे और दूसरी चीज़ों की सिक्योरिटी मिलेगी। और वो नए फीचर्स क्या है, मैं आपको बताने वाला हूँ। बैंक स्कीम के तहत आपसे एक फिक्स रकम सालाना लेते हैं, जो रोजाना के आधार पर 4 से 6 रुपये रकम आती है। बैंक हालांकि प्लान के आधार पर फीस भी बढ़ा देते हैं। अभी स्कीम में क्या क्या कवर होता है, मैं आपको बताता हूँ। कार्ड से फ्रॉड के रूप में निकाली गई रकम, पैन कार्ड चोरी होने पर फ्री में रिप्लेसमेंट, ट्रेवल के दौरान कैश चोरी होने पर इंश्योरेंस कवर, मोबाइल खोने पर सिम ब्लॉक की सुविधा। तो ये सब जो फीचर्स हैं, ये हमारे बैंक ने दे रखे हैं। अभी मैं डिटेल में आता हूँ SBI के प्लान के ऊपर। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने कार्ड प्रोडक्शन प्लान लॉन्च किया है, जिसमें यूजर्स के पास 3 तरह के ऑप्शन होते हैं। इसमें वो प्रोटेक्शन प्लान सिंगल और ज्वाइंट और फैमिली के लिए ले सकते हैं। ATM, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से होने वाले फ्रॉड पर 3 लाख रुपये तक का प्रोटेक्शन है। इसमें सभी तरह के फ्रॉड को शामिल किया जाता है, जिससे आपकी रकम वापस मिल जाती है। इसी तरह 3 लाख रुपए तक ट्रैवल इंश्योरेंस का भी कवर मिलता है। फोन गायब होने पर सिम ब्लॉक की सुविधा से लेकर रिपोर्टिंग सुविधा तक। प्लान के आधार पर बैंक सालाना 1599 रुपए से लेकर 2499 रुपए फीस लेता है। तो मेरे ख्याल से रीजनेबल ही है देखा जाए तो। वो फ्रॉड से बचने के लिए अगर ये अमाउंट अगर बैंक हमें दे सेव कर रही है तो रीजनेबल है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। फिर ICICI के बैंक प्लान सुन लीजिए। अब सिंगल, ज्वाइंट और फैमिली के आधार पर 3 तरह का प्लान है। इसके लिए बैंक 5000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक के फ्रॉड को कवर देता है। एक कॉल पर ब्लॉक को कार्ड करने की सुविधा है। पैन कार्ड चोरी हो जाने पर फ्री रिप्लेसमेंट सर्विस है। चाबी के लिए की हॉब की सुविधा है, जिसे चाबी खोने पर पाने वाले आपको क्रॉस कर सकेगा। फिर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के खोने पर असिस्टेंस है। फिर ट्रैवलिंग के दौरान पैसे चोरी होने पर कैश देने की सुविधा दिया हुआ है, अगर ट्रैवलिंग के दौरान आपका कैश अगर गुम हो गया या चोरी हो गई। फिर HDFC बैंक का प्लान मैं आपको बता देता हूँ। ATM कार्ड और क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड होने पर 2.5 लाख रुपये तक का कवर है। ऑनलाइन फ्रॉड, स्कीमिंग, फिशिंग, ATM पिन और ATM से होने वाले फ्रॉड को कवर करता है। पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस होने पर रिप्लेसमेंट की सुविधा दी हुई है। फिर इमरजेंसी में ट्रैवल असिस्टेंस है। तो ये हुआ HDFC का। अभी हमने आपको HDFC का बता दिया, SBI का बता दिया, और दोनों का ही मेरे ख्याल से रिजनेबल है। उसके बाद हम आते हैं एक्सिस बैंक का प्लान। बैंक दो तरह के प्रोडक्शन प्लान दे रहा है, जिसमें प्रीमियम और प्लैटिनम प्लान है। बैंक 2 से 3 लाख रुपए तक का रिस्क कवर प्लान दे रहा है। बैंक इमरजेंसी सिचुएशन में 20,000 रुपये का कैश प्रोडक्शन देगा। इसके अलावा कार्ड से होने वाले किसी भी तरह के फ्रॉड को कवर किया जाता है। विदेश में होटल असिस्टेंस के रूप में 1,60,000 रुपये तक का कवर मिलता है और पैन कार्ड का फ्री रिप्लेसमेंट है। सालाना 1999 रुपये से लेकर 2499 रुपये तक आपको खर्च करना पड़ेगा, मतलब बैंक को जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपकी इनकम बहुत अच्छी खासी है तो साल में 2000 या 2500 रुपये खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर जहाँ तक सेफ्टी की सवाल है तो ये एक रिजनेबल अमाउंट है। तो इस तरह से आप अपने बैंक में जाके पता कर सकते हैं कि जो भी उन्होंने सेफ्टी दी हुई है, तो सेफ्टी अगर आप जान लेंगे
तो सबके लिए अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।